जी मैडम आइए भाई। फ्रेंड्स आज हम यहाँ आए हैं हाईकोर्ट के पास, ये हलवा पूरी वाला है। आज हम यहाँ नाश्ता करने आए तो ये बिल्कुल जब हम हाईकोर्ट से निकलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जब आते हैं तो ये इसका पड़ता है शॉप हलवा पूरी वाले की, हलवा पूरी बनाते हैं। भैया ये शॉप का क्या नाम है? जी? इस शॉप का नाम क्या है? ये अजगर जूस के बराबर में है दुकान पर हम यहाँ बैठे हैं। ये अजगर जूस की दुकान है जहाँ की है, ये दुकान बराबर में उसकी है। अच्छा, तो ये जूस की दुकान भी उसकी है जिसकी हलवा पूरी की दुकान है। हम हलवा पूरी खाने आए हैं यहाँ पे और बैठाया उसने यहाँ जूस की दुकान पे है हमें। बाहर से जाके दिखा दो ना, तो मैं आपको बाहर से जाके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सामने हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से जब हम स्ट्रेट आते हैं बिल्कुल सीधा सीधा तो ये यहाँ पे ये हलवा पूरी बना रहे हैं। हम इसके यहाँ हलवा पूरी खाने आए हैं और ये यहाँ पे भी इसके बैठने की जगह है। ये है अजगर चाट के नाम से सुबह का नाश्ता हलवा पूरी, और ये बना रहा है हलवा पूरी और ये यहाँ पूरियाँ बना रहा है। यहाँ इसके ये जेंट्स के बैठने की जगह है और हमें उसने वहाँ बिठाया है अजगर जूस वाले की अजगर जूस की शॉप पर, और ये बराबर में भी अजगर जूस की शॉप है। और ये पूरी बना रहे हैं हलवा, ये हलवा है इसका। सफाई सुथराई भी है, नीट एंड क्लीन है, बहुत सफाई सुथराई से कर रहे हैं। और ये क्या है भैया? चने की? और ये चने क्या है दिखाओ खोल के। ये चने का इसकी तरकारी है और आलू वाली तरकारी, आलू वाली ख़त्म हो गई है। अच्छा, और ये इसका अचार है, ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया। कितने बजे तक ख़त्म हो जाता है सारा? दो बजे ख़त्म हो जाता है। पर ये तो अभी तक तो दो ही नहीं बचे और ख़त्म हो गया। आज जल्दी हो गया, आज जल्दी ख़त्म कर दिया। अच्छा आज मैं आई चल तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर गया। आलू की तरकारी नहीं है, चने की है। तो आलू की तरकारी भी होनी चाहिए थी ना, इसका मतलब सुबह सुबह जल्दी आना चाहिए। अच्छा, और ये यहाँ पूरी बना रहे, ये भी सारा साफ सुथरा तरीके से बना रहे हैं। बहुत सफाई है और अच्छे तरीके से बना रहे हैं। बैठने का भी इंतज़ाम सही है। बस, और ये मेन मार्केट में बैठे हुए चलें गाइस, हम चल के हलवा पूरी खाते हैं। गाइस ये देखो आलू की तरकारी भी आ गई है और ये चने की तरकारी भी आ गई है और ये हलवा भी आ गया है और ये पूरी पूरी का साइज़ भी अच्छा है और बड़ी है साइज़ में पूरी, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 50 रुपी पर पूरी है ये, और पूरी का साइज़ देखो अच्छी खासी बड़ी है। ये देखो अब बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं खाने के लिए। साइज़ ये देखो पूरी का साइज़ ये अच्छी खासी बड़ी पूरी है ये। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये हमने तरकारी ली और ये हमने आलू की तरकारी के बाद हम छोले की तरकारी है। ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आएंगे इसको, ठीक ठाक है। पर यह है कि पूरी का साइज अच्छा है, पूरी का ऑयल भी अच्छा है, जिस ऑयल में ये पूरी फ्राई हुई है ठीक नहीं आ रही, चिपचिपाहट नहीं है, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल लाइट पूरी है, कोई हैवी नहीं हो रही है और खाने में भी बिल्कुल लाइट है ये पूरी। और उसमें ये इसने लाल मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च का तड़का भी लगाया है। ये अचार खाना भूल गया है, शायद हम इससे अचार भी मंगवाते हैं।
भैया उसके साथ गाजर का अचार लेके आए। हाँ गाजर का अचार बहुत अच्छे ऑयल में बनी है। ये लेकिन गाजर का अचार भी आ गया है, हमने मंगवा लिया। अच्छा ये जिसमें बना हुआ है ना ये तरकारी और ये मैंने आलू की और छोले की तरकारी, ये ऑयल बहुत अच्छा है, में हीक भी नहीं आ रही है और चिपचिपाहट जैसे होती है वो भी नहीं है और बहुत ऑयल अच्छा है। वैसे तरकारी ठीक ठाक है, ये कह सकते हैं अच्छी है। रैंकिंग में 100 से इसको रैंक मिलेगा 70 out of 100 और पूरी को रैंक मिलता है 100 out of 100 इसका। मेरी एडवाइस है आप लोग ज़रूर टेस्ट करने आएगा। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं, मेरी एडवाइस है गाइस आपको फ्रेंड्स आपको आप ज़रूर आना, इसको ज़रूर टेस्ट करना। मुझे जो रैंकिंग लगी मैंने वो बताई पर ये वाकई में अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा इसको टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए और इन्जॉय करिएगा नाश्ता। पर यहाँ आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा ताकि यहाँ रश होता है तो यह चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर बाद में उसका मज़ा वो नहीं रहता। हमारे लिए तो उन्होंने आलू की तरकारी पहले ही निकाल ली थी इसलिए अवेलेबल हो गई। अच्छा अब ये हलवा हम उसको टेस्ट करते हैं। गाइस यह हलवा भी बहुत मज़े का है, यह हलवा भी बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और ये बहुत टेस्टी मीन्स ये इस तरीके से कि हर लिहाज से अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई हीक नहीं आ रही ना, वो अजीब सी जो स्मेल आती है ऑयल वगैरह की वो नहीं आ रही, बहुत हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, ज़्यादा स्वीटिश भी नहीं है और फीका भी नहीं है, शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है इस हलवे में और ज़्यादा ऑयलिश भी नहीं है और मतलब ज़्यादा ऑयल वाला भी नहीं है। तो गाइस मेरी आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि क्या कहना चाहिए कि यही कहना चाहिए कि आप इसको ज़रूर आइए, यहाँ पे ज़रूर आइए, खाइए और टेस्ट करिए और इसको इन्जॉय करिए, वाकई में बहुत अच्छी है। अब मेरी रैंकिंग चेंज हो रही है इसके लिए जब मैंने हलवा और ये सब वो करा कि 80 out of 100 सब इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैंने बोला था ये मुझे अच्छा नहीं लगा वरना ये 100 out of 100 से कम नहीं है, इसलिए मैंने इसको 80 out of 100 रैंकिंग दी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। तो आप ज़रूर आइए इन्जॉय करें। गाइस मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और मैं नाश्ता करते करते आप लोगों को ये एडवाइस कर रही हूँ, हाँ रिकमेंड कर रही हूँ और आप यहाँ आएँ इनकी शॉप पे असगर चाट वाला असगर ये पूरी वाला भी यही है असगर, तो रिकमेंड कर रही हूँ कि आप आए यहाँ पे और इस हलवा पूरी का नाश्ता ज़रूर करें। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 50 rupees पर पूरी है और बहुत टेस्टी है, इसका हलवा भी बहुत टेस्टी है, इसका गाजर का अचार भी बहुत टेस्टी है, इसकी आलू की तरकारी भी बहुत टेस्टी है, इसकी छोले की तरकारी भी अच्छी है पर ये कि मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि इसमें फ्राइड प्याज पड़ी है वरना वैसे बहुत अच्छी है, इसलिए छोले की तरकारी और आप ज़रूर आइए और इसको इन्जॉय करें और अब मैं अपना नाश्ता इन्जॉय कर रही हूँ। तो गाइस ओके अल्लाह हाफिज़ और लेट मी इन्जॉय माय फूड।